मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कर्नल रमेश चंद्र जी है, इनसे बातचीत करेंगे। 30 जून के जो प्रदर्शन है उनके बारे में किस लिए किया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 30 तारीख का क्या कार्यक्रम है जी, इसमें कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद है? वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर 16 से 30 जून तक महंगाई विरोधी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के तहत 30 जून को जींद में भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा उपायुक्त कार्यालय पर। असल में पिछले 6 महीने का देखा तो 56 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, और पेट्रोल डीजल के रेट जो हैं उनमें 57-58% टैक्स है। राज्य सरकारों का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का उत्पाद टैक्स, और जैसे 100 रुपये का तेल लोगे तो 58 रुपये टैक्स है और 42 रुपये का तेल है। और इसके कारण तमाम जो जैसे पंप सेट चला के फसल पैदा करेगा किसान डीजल फूक के तो महंगा पड़ेगा। पिछले एक साल में 33% रेट बढ़ गए, और किसान की जो फसल है उसका MSP 1% से 5% बढ़ाया है। अब हरियाणा की सरकार ने जो राशन पर तेल देते थे BPL को, तेल और नमक 40 रुपये का 2 लीटर मिलता था, अब कहा कि हम 250 रुपये डालेंगे। हालत यह है कि तेल की जो बोतल है उसका पेट पिचका रखा है। 750 ml तेल 170 रुपये का आता है, 200 रुपये लीटर का रेट हो गया, उसका खाने में कटौती होगी। और रोज़गार की जो बात है, पिछले लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों ने रोज़गार खोया और अब 2-2.5 करोड़ लोगों ने अब खो दिया। मतलब लोगों के काम धंधे ठप हैं, महंगाई की रफ्तार हवाई जहाज से भी तेज है। इसके खिलाफ वामपंथी पार्टियां पूरे देश में अभियान चला रही हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि ये जो टैक्स की बढ़ोतरी है इसको वापस लिया जाए, टैक्स को, और जनता को राहत दी जाए। दूसरा, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनको 7,500 रुपये मासिक मदद की जाए सभी परिवारों को, और जो खरीद के खाने वाले हैं उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से 35 किलो अनाज केरल की सरकार ने 16-17 वस्तुएं इस कोविड के टाइम में फ्री दी हैं सबको। केरल दे सकता है तो क्या देश की बाकी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार नहीं दे सकता? फ्री वैक्सीनेशन हो और ये राशन की व्यवस्था सरकार करे। और दूसरा ये है कि ये जो कानून तो सस्पेंड कर दिए परंतु जमाखोरों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन वो खुला खेल रहे हैं। सरसों का तेल के रेट नहीं बढ़े अकेले, फॉर्चून का पिछले साल इन दिनों 130 रुपये लीटर था, अब 220 का है, मतलब ये 90 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया। इतनी कहाँ लागत आ गई, और सरकार ने उनके लिए बाकायदा लोगों को कारपोरेट हाउसेज के मुंह में झोंक रखा है और वो चबा रहे हैं और फेंक रहे हैं, ऐसी हालत है। इसके खिलाफ हमारी पूरे जींद जिला की जनता से अपील है कि 30 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे मजदूर, किसान, महिलाएं, नौजवान, सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और वहीं केंद्र सरकार से हमारा ये कहना है कि ये जो काले कृषि कानून है इनको वापिस लो, किसानों से बातचीत करो। 7 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया परंतु सरकार बातचीत नहीं कर रही, और सरकार अभी भी यहाँ करनाल के इलाके में अब ठाकुरों का, राजपूतों का और सिखों का झगड़ा कराने के फिराक में BJP के लोग लगे हुए हैं। वो आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इस तरह के फसाद करा के इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। तो हमारी किसान नेताओं से भी अपील है कि BJP की इस चाल को समझें और इसका जवाब दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से इस आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील है।